बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी प्यारे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं सऊदी न्यूज़ टुडे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज उमरा के जो है मुतालिक जो है वो एक न्यू अपडेट आई है। अभी यहां पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी दोस्त जो है वो अगर रमज़ान में उमरा करने का इरादा रखता है या फिर जो है वो मस्जिद नबवी में मदीना मुनव्वरा में जाना चाहता है, तो जिस जिस जगह पर परमिट की ज़रूरत होती है उन लोगों को परमिट तब ही मिलेगा जब तक उन्होंने कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो ली होगी। अगर आप लोगों ने कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो नहीं ली, तो जिस जगह पे आपको परमिट की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि आप लोग जो उमरा करने के लिए परमिट लेते हैं इतमराना ऐप से, या फिर जो है वो मस्जिद नबवी में जो है आप लोगों को जब सलाम पेश करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर परमिट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप लोगों ने उसकी जो है वो वैक्सीनेशन नहीं ली कोरोना की, तो आप लोगों को वो परमिट जो है वो इशू नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि परमिट फॉर उमरा एंड विजिट टू द ग्रैंड मस्जिद एंड द प्रॉफिट मस्जिद ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमदान विल बी इशू ओनली टू दोज हु हैव बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोरोना वायरस अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा। के मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा की तरफ से अभी अनाउंस किया गया है कि जिसने जो है वो ये वैक्सीन नहीं ली होगी उनको जो है वो ना तो मक्का के लिए उमरा के लिए परमिट मिलेगा और ना ही जो है वो मदीना मुनव्वरा के लिए जो है वो परमिट मिलेगा। प्यारे दोस्तों, तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की मजीद अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।